हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलो आज हम लोग दीवान एवेन्यू, जो शिकागो की मशहूर देसी स्ट्रीट है, उसका एक पार्ट करते हैं। ये है शिकागो की ये दीवान एवेन्यू स्ट्रीट है। एक्चुअली है डेवन, देखो ये है गांधी पार्क, है ना? ये है डेवन एवेन्यू, इसे ये लोग प्रोनाउंस करके देखिए। यहाँ से मलिका, ये देखिए आप, ये सारे स्टोर्स हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग। और ये है कड़ाही कॉर्नर, जो के रेस्टोरेंट है। ये है देखो सोना चांदी, ये जो है कपड़ों की दुकान है। ये है कड़ाही, ये देखो ये सोने की, ये थोड़ा सोने का, ये जो जेवरों की ये हैं अपने दुकानें हैं, इसमें आजकल कपड़े भी लगे हैं मल्टी। हाँ, जैसे ये मलाबार है, देखिए आप यहाँ से पूरे लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं अभी तो। देखिए ये है ना, ये ग्रोसरी स्टोर है। ये देखो हमारा बर्गर की दुकान है। ये अपने देसी बर्गर मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप कपड़े चेक वाले, ये हैं, ये देसी दुकानें हैं हमारी। और ये देखिए आप, ये देखिए नीरव स्टोर, ये देखिए आप ज्वेलर्स की दुकान है, ताज ज्वेलर्स, है ना? लोग खरीद रहे हैं सोना। और ये देखिए यहाँ पे भी पूरी, ये पूरा ज्वेलरों का है। आतिफ असलम साहब आ रहे हैं, गाने गाएंगे बहुत टाइम के बाद। ये कोविड के बाद सारे शो शुरू हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए आप, है ना, ये जॉय लुकास है, ये भी एक सोने की है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है दुबई में। ये देखिए ब्यूटी सलून है, ये है जार, ये देखिए सोना ही सोना है भाई। तो ये हमारे देसी इंडियन लोग शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए खूबसूरत, दोनों तरफ दिखा रहा हूँ, देखिए सोनू निगम भी आ रहे हैं। अगस्त 19 को ये हमारे आतिफ असलम साहब हैं, इंडिया पाकिस्तान के सिंगर यहाँ आते हैं और सबको एंजॉय कराते हैं। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये भाई कैरी है, कैरी मैंगो है ना, ये पाकिस्तानी कैरी है, ज़बरदस्त कैरियाँ मिलती है। ये देखिए आप, ये है दरबार ज्वेलर्स, ये देखिए ये है रिया, ये भी एक ये है। और कैंचो मासी, ए मामू व्हाट्सअप। ये देखिए इस तरह हमारे इंडियन लोग समर में बैठते हैं यहाँ पे। और ये देखिए आप, यहाँ पे हमारी वो मिलती है अपने क्या नाम, ये फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर एक, और यहाँ पर ये स्वाति, ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और ये देखिए यहाँ पर ऐसी ऑटो रिक्शाएँ रखी हुई है ना, तो हमारे जरा कल्चर की ये गांधी मार्ग है साइड। देखिए आप, देखिए आप ये पूरा रेस्टोरेंट है। ये देखो एक और ज्वेलर की है, ये है रिगल ज्वेलर्स। देखिए कितनी भीड़ है इसमें, अरे बाबा देखो, है ना, मेरे पास पैसे आ गए भाई, है ना। ये देखो ये है मान्यवर, अगर आप पता ही होगा यार, ये तो मेरी फेवरेट है ना, इसे कुर्ते वगैरह मिलते हैं, क्या बताएं आपको। ये देखिए साड़ी सपने। और ये है साड़ियों की दुकान है, इसमें साड़ी वगैरह बड़े बड़े खूबसूरत ड्रेसेस मिलते हैं। देखिए रीगल है, गुजराती में भी लिखा हुआ होता है यहाँ पर, है ना, हिंदी में, गुजराती में, उर्दू में, सब सारी जबानों में, देखिए, है ना। तो ये है, और ये है भाई पटेल ब्रदर्स, जहाँ पे हमारी इंडियन ग्रोसरी, इंडियन पाकिस्तानी ग्रोसरी मिलती है। इंडियन पाकिस्तानी यहाँ साथ में रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो है ना, जैसे इस तरफ मैं हूँ, इस तरफ गांधी मार्ग है, उस तरफ जाएंगे हम तो जीना मार्ग है, लेकिन वो दोनों मिक्स होती है दुकान है ना, इंडियन पाकिस्तानी, है ना। ये देखिए, ये है सलाना, माँ जी भी आए घूमने,
तो माँ जी को भी एंजॉय करा रहे हैं ये <बरा। laughs> तो ये है देखिए, ये है शाहीन ब्यूटी पार्लर और ये है बड़ा एक ज़बरदस्त स्टोर है यहाँ पे। हाँ, इसका कपड़ों का ये है शाहिल, बहुत बड़ा स्टोर है ये। और ये देखिए यहाँ पे ये अन्नपूर्णा, ये वेजिटेरियन, सिंपल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जो वेजिटेरियन खाता है उनके लिए भाई ये पूरी वेजिटेरियन ही। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे वीकेंड पे, ताकि लोग आते हैं और खाते हैं जो वेजिटेरियन से। यहाँ पे देखा पूजा आइटम्स मिलती है ना, ये सारा देखोगे आप सब कुछ यहाँ पे, पूजा की जो भी चीज़ें आप बर्तन वगैरह सब कुछ मिलेंगे देखिए, है ना। हमारे देसी लोग, हमारे इंडियन लोग खरीद रहे हैं कुछ, देखो कितनी भीड़ है ना अन्नपूर्णा में, आप देख सकते हो। तो ये मतलब ये है पूरा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप है ना इंडिया में हो। देखिए है ना, हमारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं सही है भाई ये देखिए नेपाली भाई, नेपाली है तो नेपाली भी आ जाओ है? हम बोलेगा तो बोलेगे कि बोलता है नेपाल हाउस आप देखिए सर जी, ये है सुखाड़िया, ये गुजराती स्वीट और नमकीन की है ना बड़ी ही फेमस, ये है अपने दुकान अपने रेस्टोरेंट जो है, इसके अंदर आपको पानी पूरी वगैरह मिलता है, जैसे अन्नपूर्णा जो मैंने आपको दिखाई थी अन्नपूर्णा उसके अंदर भी मिलता है। देखो ये इस तरह है पूरी है ना, तो उसमें भी सब मिलता है वो वेजिटेरियन चीज़ें है ना। और ये देखो ऐसे एंजॉय कर रहा है ना भाई, समर समर रुक जा भाई। ये देखो ये कपड़े की दुकान स्टूडियो लाइट, ये देखिए ये लेग तनेक, ये भी एक कपड़ों की दुकान है। उसके बगल में जो है अलीज निहारी, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वो भी बड़ी चलती है। ये देखिए आप यू गुड ब्रो गुड, ये देखिए नाफिया, ये भी एक नया स्टोर खुला है अभी। यहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, अगर आप वीडियो बना रहे हो कुछ कर रहे हो तो वो बेचारे हट जाते हैं। ये देखिए खूबसूरत को खूबसूरत कर दिया है, लेकिन ये खूबसूरत करके भी अच्छा बेहतरीन कोई नया स्टोर बनाया, आजकल नहीं बनाया। तो ये देखिए ये है अटलांटिक एक्सचेंज, जो पैसे भेजते हैं इंडिया पाकिस्तान उसकी है। ये देखिए आप, ये है बेगम फैशन, आशियाना डिज़ाइनर कलेक्शन, आप देखते जाइए भाई। ये तो मतलब इतनी दुकानें अमेरिका के अंदर कहीं नहीं होगी, है ना। ये हमारी जो ये बस है देखो, यहाँ की सिटी बस है ना 155 नंबर की, ये ट्रेन स्टेशन से आती है और यहाँ पे सबको छोड़ देती है। और ये देखिए आप, ये देखिए ये है भाई गणेश, श्री गणेश टेम्पल है ना, ये है श्री गणेश टेम्पल। ये देखिए सब पूजा वूजा हो रही है, फिल्में पिक्चरें विक्चरें भी उतार रहे हैं लोग। ये देखिए आप दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा, अंदर से मैं अंदर नहीं जाऊँगा लेकिन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप है ना, ये पूरा गणेश मंदिर है हमारा यहाँ का, ये देखिए है ना, यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह कैम छो। तो अब आइए, गुजराती लोग ज़्यादा रिलीजियस होते हैं तो वो जरा है ना, ये देखिए पूरा ये है भाई, देखिए इस तरह है, ये देखिए है ना, यहाँ पर भाई सब इकट्ठे रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये हिंदू मंदिर देखिए, ये है उडुपी, आपको अगर वो खाना है डोसा वगैरह आ जाइए भाई, ये देखिए है ना, ये हमारा गल्लू भाई निकले हैं खाना। ये देखिए उमा साड़ीज, देखिए साड़ियों की दुकान है भाई। मेरा थोड़ा आज जरा थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ तो ये है ना जरा अंधेरा हो गया है, तो कुछ दुकानें बंद भी हो गई। ये देखो ये है, ये देखो ये चर्च है ना, जैसे मंदिर है ना सामने ही चर्च है, क्या है इसका नाम, सबका सहारा है ना, यहाँ चर्च है ना। फिर यहाँ आगे जाएंगे तो बहुत बड़ी है ना मस्जिद है, उसके आगे एक गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर भाई है ना, ये देखो सैराना रेस्टोरेंट, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये भी बड़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, पहले उस तरफ हुआ करती थी अब यहाँ आ गई, क्योंकि ये इलाका ज़्यादा बिजी रहता है वो वहाँ के इलाके। नेक्स्ट ब्लॉग है मैं आपको बताऊँगा है ना। और ये देखिए ये है बंडू खान, ये बंडू खान पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, दिल्ली के जो थे और पाकिस्तान मूव हो गए, और वो जो वहाँ पर भी इतनी ही चलती है ना, मेरे ख्याल से लाहौर और
सब जगह पे। ये भी बड़ी ही मतलब बहुत लोग होते हैं इसके अंदर, आप जब भी देखो आप ये पूरी भरी हुई होती है हमेशा। और ये देखिए आप है ना ISP इंडियन साड़ी पैलेस है ना भाई, ये देखिए आप बस देखते जाइए इतना इतना ये वो होता है भाई। हाँ देखो ये पंजाबी में बात कर रहे हैं जी पाजी है ना, ये देखिए। और ये पता नहीं यहाँ तो लाहौर से हो गए या अमृतसर से हो गए एक ही बात हुआ यहाँ पर सुनिए ना, ये देखिए आप है। तो ये इस तरह है ये बन रहा है सब कुछ यहाँ पर। ये देखिए एक बिल्डिंग है जिसके अंदर वो सीनियर सर्विसेज अपने ये इंडियन वगैरह हैं उस पर सीनियर सर्विस कर की जो है उनको जो सेवाएं मिलती है वो यहाँ से होती है। ये देखिए आप है ना, देखिए बैंक्वेट हॉल है। और यहाँ देखिए दिख रही है आपको जो बहुत बड़ी ये मस्जिद है मक्का है ना, ये है जुमा मस्जिद है। तो आप समझ गए ना एक ही ब्लॉक के अंदर आपको मस्जिद भी मिल गई, चर्च भी मिल गया और मंदिर भी मिल गया। तो इस तरह है ये मिर्च रेस्टोरेंट नई खुली है, ये है पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर। लेकिन यहाँ इंडियन पाकिस्तानी सब चीज़ें एक ही जगह पर मिलती होती है तो हम लोग यहाँ पर से इंडियन पाकिस्तानी स्टोर बोलते हैं ना। और ये देखिए आप है ना आर्य भवन, ये इंडियन रेस्टोरेंट है। और ये जो है पान की दुकान है, ये दो है ना दिख रहा होगा आपको ये पान है ना, ये दोनों बगल में पान वाले है, बड़ी कंपटीशन होती है उनकी। और ये है साबरी निहारी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बड़ी फेमस है, ये भी बहुत सालों से है और बहुत तो अगर नॉनवेज के शौकीन हैं आप तो आपके लिए ये परफेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर भी आप ये वॉचिस और ये सेल फोन वगैरह की है ना, सेल फोन वगैरह की दुकान है, सेल फोन वगैरह मिलते हैं। वो अली भाई है, अली भाई कैसे हो, ठीक भाई? तो और ये है हमारी आपके कार के नंबर वगैरह लेने हैं क्योंकि हमारे इंडियन पाकिस्तानी ही हैं। फ्री कोविड टेस्टिंग होती है यहाँ पर है ना, फ्री मतलब फ्री बिल्कुल। ये देखिए आप, ये है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन वगैरह मिलता है, लगेज मिलता है। देखिए हमारे है ना हैदराबाद के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हैदराबादी रेस्टोरेंट है यहाँ पर चार मीनार, उसमें बड़ा ही बेहतरीन खाना मिलता है। और उनकी जो है वो टिफ़िन सर्विस भी होती है जो है ना, मील सर्विस होती है जो, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह बहुत होते हैं ना लोग। देखिए ये raza.com है जो कि आप पहले तो अब तो व्हाट्सएप वगैरह आ गया, पहले नहीं था तो यहाँ से कार्ड खरीदना पड़ता था और उसको स्क्रैच करके उसके नंबर से इंडिया वगैरह कॉल करना पड़ता है ना, इंडिया पाकिस्तान। ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको हमारे भाई लोग ना, देखा ये देखो ये वर्सेस ही है मेरी, मैं यहाँ से बहुत फ़ोन वगैरह खरीदता हूँ। ये देखिए आप, ये है ये पॉपुलर, देखिए आपको यहाँ पे बर्तन वगैरह दिख रहे हैं, बर्तन वगैरह मिल जाएंगे भाई आपको। ये देखिए पीतल के भी सब, पानी पीने के, ये देखिए पीतल का भी भाई, क्या नहीं मिलता है यहाँ पर है ना। तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार भाई ये क्या है, देखिए तबारुज है, ये ब्राइडल स्टोर है, ये हमारे दोस्त का है, ये कराची से है और बहुत ही इनका चलता है, इनका भी है ना। अब ये इनकी ईद वगैरह सीज़न होती है तो बहुत ज़्यादा चलता है, तो अब इनकी अभी ख़त्म हो गई ना, तो अभी वो हम लोग का है। ये देखो ये जैसे हम लोग इंडिया में चाय पीते हैं ना, चाय एक आधी दे दो, इस तरह यहाँ पर चाय मिलती है आजवा है। ये इंडियन इंडिया से है, गुजराती मुस्लिम होते हैं ना जो गुजरात स्पीकिंग, वो उनका है। ये नायाब मार्ट है यहाँ पर भी, ग्रोसरी मिलती है, देखिए ये सारे हैं ना, ये सारे दाल चावल ये वो है ना। देखो राज एम्प्लॉयसिस में भी बर्तन मिलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आपको ये देखो ये कोविड टेस्टिंग का एक और है ना। ये देखिए इटालियन एक्सप्रेस है, ये भी हमारे इंडियन स्टाइल का फूड होता है, इसमें इटालियन फूड है, ये इटालियन फूड होता है। देखो
ये हमारे इंडियन फूड, इंडियन है, इंडियन स्टाइल का होता है, इटालियन होता है, लेकिन जरा स्पाइसी वगैरह करके, है ना। ये देखिए जास्मिन ब्राइडल, ये भी एक ब्राइडल का स्टोर है, बहुत ही बेहतरीन। मक्खी मार्ट है ये मेरे ख्याल से, ये ग्रोसरी स्टोर है, ये लसानी इस तरफ ग्रोसरी स्टोर है ना। यहाँ पे देखिए आप, दाल चावल आटा वगैरह मिलता है सब कुछ। तो ये देखो कारपेट की है, कारपेट आपको घर में कारपेट लगानी है तो देखिए, अरे वाह वाह वाह, अच्छा यहाँ पे भी लोग भीख मांगते हैं, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ। हाउ आर यू ब्रो? या ब्रो, या सो देखो ये, या ओल्ड, आई विल, आई एम शूटिंग वीडियो राइट नाउ। ये ओबेरॉयज है, तो ओबेरॉय होटल रेस्टोरेंट, इसके अंदर देखिए पानी पूरी है, आप ये है एक पानी पूरी का स्टोर है ना। ये देखिए आप भाई, ये देखिए, ये है मेहराब, है ना, मेहराब रेस्टोरेंट। ये देखिए आप सारा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये भी एक स्टोर है जो कि आईब्रो वगैरह हो रही है, देखिए आप, है ना, जिस तरह हमारे इंडिया में होती है इस तरह। ये देखिए एक एक मेहराब करके एक और दूसरी स्टोर है ना, और यहाँ पर फ्रेश फूड और वो मिलते हैं अपने वेजिटेबल्स, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं। तो सॉरी, तो ये देखिए कैसे भाई, तो ये देखिए नया रेस्टोरेंट है, ये सारा हमारे ही इंडियन पाकिस्तानी लोग जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये है ना उनको बाज़ार में रहना अच्छा लगता है ना, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कहना का भाई इनकी ज़रा कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो ज़रा ये डोमिनेट करते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी नाइस, बहुत प्यारे लोग हैं। ये देखो हमारे सरदार हैं, ये जो अमर कारपेट है, ये भी कारपेट की दुकान है ना। देखिए एक चांदनी है, ये भी चांदनी ब्राइडल है, बहुत ज़बरदस्त स्टोर है, ये भी चांदनी एक्सक्लूसिव है ना। तो ये देखिए आप, अब रात हो गई है ना, तो आप ये देखिए, ये भी एक, ये भी ब्राइडल स्टूडियो है, ज़बरदस्त बीजी, देखिए क्या कपड़ा है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, है ना। तो क्या है ना कि मैं एक तरफ से ले रहा हूँ तो दूसरी तरफ का थोड़ा जूम करना पड़ता है, लेकिन वो इतना दिखता नहीं है। ये देखिए ये इस्लामिक स्टोर है, इनके जो कपड़े मिलते हैं, है ना, जैसे वो था वो हिंदू स्टोर था, है ना, इस तरह आप देखो आप, है ना, ये जेट रिवाइव ना, ये इसमें सब अपने ये रिपेयरिंग स्टोर है, जो कि हम लोग जो रिपेयर करते हैं। ये देखो ये है सूट वूड में आया का नहीं है, सूट वूड मिलते हैं यहाँ पे साल में, है ना। और ये देखिए आप, ये है डस्टिनी स्टूडियो, है ना, यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे कपड़े भाई, है ना। यहाँ पे ट्रेलर वेलर अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका नाप वाप ले लेंगे, है ना, नाज रेडी। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पर बुक्स का स्टोर है, ये कशिश करके है, जो वो भी एक कपड़ों का स्टोर है। ये जो है जेन्यून टाइम, वो घड़ियों की दुकान है, जो हमारे वहाँ होती है इस तरह ही, आपको ऐसे लगेगा जैसे भाई आप इंडिया में ही घूम रहे हो। और देखिए ये है सामने आपको दिख रहा होगा गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है खान बारबेक्यू, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये भी बड़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जरा पाकिस्तानी लोग जरा ज़्यादा खाना खाते हैं बाहर, है ना, कंपेयर टू इंडियन यहाँ पर, तो इनकी रेस्टोरेंट बड़ी चलती है, और चलती है तो लोग ज़्यादा इनमें ही जाते हैं, टू बी फ्रैंक विद यू। और ये है देखिए वेस्टर्न, ये है वेस्टर्न, वेस्टर्न एवेन्यू, और ये दीवान है, और ये है दीवान, जाएगा दीवान एवेन्यू, दीवान और वेस्टर्न पे है ना, ये खान बारबेक्यू का। तो आपको अच्छा इस तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है सामने वो है मोहम्मद अली जिन्ना रोड, जिससे हम लोग ने इस बार
महात्मा गांधी रोड किया ना, अब हम अगली बार जाएंगे वहाँ पर भी, इतना नहीं वहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें वगैरह, लेकिन इस तरफ ज़्यादा है थोड़ा, है ना। तो चलिए, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा कि भाई इंडियंस वगैरह कैसे रहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी पीपल यू नो इन अमेरिका। सो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से, इससे बड़ी स्ट्रीट, इंडियन स्ट्रीट मेरे ख्याल से पूरे नॉर्थ अमेरिका में कहीं नहीं है। तो हम लोग खुश नसीब है, है ना, ऐसे कंजेस्टेड आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, है ना। इतने लोग देखिए, कितने लोग वॉक कर रहे हैं आप देखिए, है ना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरा। आप सैटरडे संडे तो इतना भरा हुआ होता है यहाँ पे, क्या बताएं, 4th of July है तो लोग घूमने चले जाते हैं ना, इसलिए अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा कि पूरे IT वाले जो है ना, आंध्र प्रदेश से उधर से उधर से, वो सारे यहाँ पर होते हैं, है ना, पूरी शॉपिंग के लिए, अपनी ग्रोसरी करते हैं, रेस्टोरेंटों में से खाना लेके जाते हैं, है ना, अपना सब कुछ लेके चला जाते हैं यहाँ। तो ये है भाई, तो अगली बार विल डू दिस साइड, यू नो, इफ गॉड विश। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं, है ना। देखिए गांधी, चलिए अब मेरा भी यहाँ से मुझे रोड क्रॉस करना है। चलो बाय, टेक केयर।